Hello everyone, today we will talk about Aristotle's theory of tragedy. Tragedy is the genre of poetry that concerns serious action. Tragedy एक काव्य की विधा है जिसमें गंभीर actions होते हैं. Tragedy has six elements. Tragedy में six element, छह तत्व होते हैं. First one is plot, second is character, third is thought, fourth is language or diction, fifth is music, and sixth and last one is spectacle. Aristotle called the plot the soul of tragedy. Aristotle ने plot को tragedy की आत्मा कहा है. Now let's see characteristics of a good plot. First characteristics है completeness, यानी पूर्णता. There should be a proper plot with a clear beginning, middle, end, means completeness. यानी plot की एक proper clear beginning होनी चाहिए, middle होना चाहिए और end. दूसरा है मैग्नीट्यूड. सेकेंड वन इज मैग्नीट्यूड. द लेंथ ऑफ द प्लॉट शुड बी मेमोरेबल टू द ऑडियंस, मीन्स दे कैन रिमेंबर इट ईजली. दूसरा है कि प्लॉट ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को याद रहे, ऑडियंस की मेमोरी में रहे, ऐसा ना हो कि वो भूल जाएं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लॉट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, यानी फिक्स्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए. एवरी सीन एंड एक्ट ऑफ द प्ले शुड बी इम्पॉर्टेंट. सब सीन और एक्ट प्ले का महत्वपूर्ण होना चाहिए, यानी कोई पार्ट निकाल भी दिया जाए तो ऑडियंस को पता ना चले, उसे देखकर लगे कि एकदम सीक्वेंस में चल रहा है. फोर्थ क्वालिटी ऑफ प्लॉट इज यूनिवर्सलिटी, यानी सार्वभौमिकता. द मेन कैरेक्टर शुड बिहेव लाइक द मोस्ट ऑफ द मेन बिहेव इन गिवन सिचुएशन. जो मेन कैरेक्टर होना चाहिए ट्रेजडी का, वो ऐसा बिहेव करे दिए गए सिचुएशन में जैसे अत्यधिक लोग करेंगे. यानी कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी देश काल परिस्थिति में फिट बैठे. लास्ट वन इज यूनिटी, एकता. द ड्रामा मस्ट हैव यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए. यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स दिए गए समय में प्ले फिनिश हो. यूनिटी ऑफ प्लेस मीन्स ओनली वन फिजिकल प्लेस शुड बी यूज इन ट्रेजडी. एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन. प्ले जो होना चाहिए वो प्रोटागनिस्ट के एक्शन को व्यक्त करें. नाउ द प्लॉट कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. प्लॉट को तीन भाग में बांटते हैं. फर्स्ट वन इज एस्टोनिजमेंट, एक्शन दैट इंस्पायर्स पिटी एंड फियर. एस्टोनिजमेंट यानी अचंभा होना, आश्चर्यचकित होना. ऐसा एक्शन जो दया और डर उत्पन्न करे, जैसे किसी की हत्या होने पर दया व डर दोनों उत्पन्न होते हैं. सेकेंड इज एनाग्नोरिसिस, मोमेंट ऑफ डिस्कवरी, यानी खोज का क्षण, खोज का समय. थर्ड पेरिपेसिया, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति का व्युत्क्रम, परिस्थिति का उल्टा होना. द थ्री पार्ट्स ऑफ ए प्लॉट रिजल्ट्स इन कैथारसिस. ये जो थ्री पार्ट हैं प्लॉट के, इनके रिजल्ट में कैथारसिस होता है, यानी प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है. कैथारसिस मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ अनहेल्दी इमोशंस. कैथारसिस का अर्थ होता है कि जो अस्वस्थ भावनाएं हैं उनका शुद्धिकरण होना ही कैथारसिस है. अरिस्टॉटल सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉट. अरिस्टॉटल ने कहा कि दो प्रकार के प्लॉट होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल प्लॉट, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स प्लॉट. सिंपल प्लॉट डज नॉट हैव एनाग्नोरिसिस एंड पेरिपेसिया. कॉम्प्लेक्स प्लॉट कंटेन्स बोथ एनाग्नोरिसिस एंड पेरिपेसिया. आफ्टर प्लॉट नाउ लेट्स कम टू सेकेंड एलिमेंट कैरेक्टर. प्लॉट के बाद दूसरे तत्व पर आते हैं ट्रेजडी के, जो कैरेक्टर चरित्र है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेजिक हीरो. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हाई स्टेटस इन सोसाइटी. सोसाइटी में उसका हाई स्टेटस होता है. दूसरा मस्ट बी गुड, उसके अंदर अच्छाई होनी चाहिए, गुडनेस भाषण से दिखाई देनी चाहिए. मस्ट बी ट्रू टू लाइफ, जीवन के प्रति सच्चा होना चाहिए. हिज एक्शन शुड बी कंसिस्टेंट, उसके एक्शंस अटल होने चाहिए. हेमर्सिया मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेजिक फ्लॉ, एरर ऑफ जजमेंट, निर्णय लेने में गलती. जैसे हैमलेट बहुत सोचता था, अथेलो बिना सोचे काम करता था. ये ट्रेजिक फ्लॉ है जिसके कारण
उनके अंदर ट्रेजडी उत्पन्न होती है। थर्ड एलिमेंट इज थाट, द कॉन्फ्लिक्ट दैट गोज इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज च्वाइस। जो कैरेक्टर के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, द्वंद्व चलता है, जिसके कारण वह च्वाइस लेता है, चुनाव करता है। से फॉर एग्जाम्पल, हैमलेट के माइंड में चलता था टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ एलिमेंट, लैंग्वेज एंड डिक्शन आर डिक्शन। फर्स्ट स्पोकन वर्ड, सेकेंड संग वर्ड। लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इंटू स्पोकन वर्ड एंड संग वर्ड। डिक्शन हेल्प्स ऑडियंस वेदर इट इज गोइंग ऑन ए क्वेश्चन एंड आंसर, अ प्रेयर, अ सॉन्ग एक्सेट्रा। डिक्शन श्रोता को सहायता करता है ये बताने में कि क्या चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, आंसर चल रहा है, प्रेयर चल रहा है, कोरस चल रहा है या कोई सॉन्ग आदि। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ ट्रेजडी इज म्यूजिक, इट इज यूज टू अराउज पावरफुल इमोशंस एंड मेमोरीज। म्यूजिक ब्यूटिफाइज एंड इंटेंसीफाइज ट्रेजडी, यह पावरफुल इमोशन और मेमोरी को जगाने के लिए होता है। म्यूजिक से ट्रेजडी में सुंदरता आती है और धार आती है। लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रेजडी इज स्पेक्टिकल, वाट एवर इज विजुअल ऑन द स्टेज इज स्पेक्टिकल, सच एज फॉर्मेशन ऑफ डांसर्स इन द कोरस, द कॉस्ट्यूम्स, मूवमेंट्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा, इट इज स्टेज सीनरी। यानी कि जो कुछ रंगमंच पर या मंच पर दृश्यमान है वह सब कुछ स्पेक्टिकल है, जैसे जो डांसर्स हैं उनका निर्माण, कोरस में उनके कपड़े, पोशाक, उनके मूवमेंट्स और उनके हाव भाव, यह एक रंगमंच की सीनरी है, यानी दृश्य है। थैंक यू, दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।